ओके सो खवातीन हज़रात, हमारा इंटरनेशनल बाइक ट्रिप स्टार्ट हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आरएचएस एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और ये जो चेहरे पे एक्साइटमेंट है, ये एक्साइटमेंट एवं नहीं है, हमारा एक नया ट्रिप शुरू होने जा रहा है, इस चैनल पर एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है, और ये सीरीज कोई सिंपल नहीं है, बताता हूँ। हर ट्रिप में बेसिक नीड्स होते हैं जी, कपड़े। लेकिन इस ट्रिप में कपड़ों के अलावा मेरे साथ क्या क्या जा रहा है? एक हेलमेट, मेरा राइडिंग गियर, ग्लव्स और रेन सूट और एक बैकपैक। तो आपको ये सारा सामान देख के समझ आ चुकी होगी कि ये बाइक ट्रिप है ट्रिप। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है ख्वातीनो हज़रात कि ये बाइक ट्रिप पाकिस्तान में नहीं है, ये भाई का पहला इंटरनेशनल बाइक ट्रिप। यहाँ तो मैंने आपको चार पांच बेसिक चीजें रख के दिखा दिया कि होने क्या वाला है। अभी जिस तरह मेरा ये हेलमेट है जो मैंने हायाबुसा के लिए लिया था, इस पे मेरा सारा जो है ना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप इस पे लगा हुआ है। इसको मैंने अभी पूरा सेटअप उतार के लगाना है अपने इस एडवेंचर हेलमेट पे, यहाँ पे लगेगा। उसके अलावा इसमें ये शुक्र है कि मैंने अपना कार्डियो सिस्टम जो है वो इसी पे लगाया हुआ है, तो वरना ये थोड़ा सा लंबा काम होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपको पता लग चुका है कि भाई का इंटरनेशनल बाइक ट्रिप होने जा रहा है। पहले ये होता है कि यहीं से मतलब अपने बाइक के पैनियर्स में सामान लोड किया और ट्रिप पे निकल गए, डायरेक्टली कहीं भी गए, वहाँ पे पैनियर्स में से कपड़े निकाले पहने। लेकिन इस बार सीन थोड़ा डिफरेंट है। असल में मैं इसको भी बड़ा मिस करूंगा यार, हायाबुसा को। ये हमारे साथ नहीं जाएगा, इसको फिर किसी ट्रिप पे लेके जाएंगे। खैर, हो गया ये कि यहाँ से मैंने अपना सारा सामान जो है वो पैक करना है इस हिसाब से कि मैंने उसको फ्लाइट में लेके जाना है, जिसमें मैं हेलमेट भी अपने साथ लेके जा रहा हूँ, अपना पूरा राइडिंग गियर फलाना टिमकाना। तो इस बार खिचड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है कि इसको पैक करना किस तरह है। फिर मुझे जो टूल्स चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, वो सारी अभी मैं एक दफ़ा पैकिंग शेकिंग कर लूँ, फिर उससे आगे। पेंथर, तूने उदास नहीं होना, जल्दी मिलेंगे। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके भी कंफ्यूज हूँ कि ये जो बैकपैक है इसमें मेरा सामान पूरा आता भी है कि नहीं। और ये मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ, अपना मेन बड़ा बैग इसलिए नहीं लेके जा रहा कि वहाँ पे जिस भी मुल्क भाई जा रहा है वहाँ जाके मैंने सारा सामान अपने बाइक के पैनियर्स में रख देना है, और उसके बाद मैं वो बड़ा बैग कहाँ रखूँगा या उसको कहाँ लेके फिरता रहूँगा। तो उसका भी एक हाल वैसे मैंने सोचा हुआ है, अगर मेरा सामान इसके अंदर पूरा नहीं आता तो फिर मैं मेन बैग ही बनाऊंगा, और वो मैं कहाँ रखूंगा कहाँ नहीं वो आपको सीरीज में आगे पता लगता रहेगा। सारा कुछ आज ही दास देना। खैर, अभी थोड़ा सा मुश्किल मामला है पैकिंग वाला, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रखनी निकालनी सेटिंग बनाना, तो ये पैकिंग शेकिंग करके फिर मिलता हूँ। बहुत पैकिंग डन, और जो जितनी मुश्किल ये वाली पैकिंग थी मेरी, इतनी किसी ट्रिप की पैकिंग मुश्किल नहीं थी। उसकी वजह मैं आपको आके एक जहाँ जा रहा हूँ वो भी बताता हूँ, आके फिर पैकिंग दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। ओके सो पैंथर रेडी है, और अभी ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं और साउंड टेस्ट भी करवाता हूँ जो भी नए लोग चैनल पे हैं उनके लिए। पुरानी हमारी गैंग ने तो सुना हुआ साउंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो हो हो हो, योशिमुरा फुल सिस्टम। मैं इधर सोसाइटी में आता हूँ ना, तो गार्ड मुझे हमेशा कहते हैं कि सर प्लीज़ ज़रा आराम से, और मैं ख्याल करता हूँ इस चीज़ का। आज ज़रा मैंने आपको कहा साउंड टेस्ट करवा दिया जाए एक दफ़ा। ओके सो ख़वातीन हज़रात, हमारा इंटरनेशनल बाइक ट्रिप स्टार्ट हो चुका है। असल में यार इतनी शदीद गर्मी में मैं हायाबुसा लेके कैसे निकला हुआ हूँ, ये कोई भी नॉर्मल इंसान का काम नहीं है, ये बहुत ही एबनॉर्मल हरकत है। क्योंकि हायाबुसा आपको पता है, एक तो हीट इतनी, ऊपर से इस टाइम कोई अन्नी गर्मी है लाहौर के अंदर। इस टाइम मैं इसको इसलिए लेके निकला क्योंकि जैसा कि आपको पता लग चुका है कि भाई जा रहा है ट्रिप पे, और आगे मैं काफ़ी दिन जो है वो यहाँ पे नहीं हूँगा। तो बेचारे बाइक्स जो है ना, ये मशीन्स बड़ी नाजुक सी होती हैं इस मामले में कि ये चाहती हैं इनका मालिक इनसे मोहब्बत करता रहे, इनको चलाता रहे। अगर ये खड़ी रहे तो जंग लग जाता है। तो मैं असल में बाइक खड़ी करने जा रहा हूँ क्योंकि शाम को मेरी फ़्लाइट है, फिर मैं निकल जाऊँगा, तो बेचारी पीछे से जो है ना वो बोर ना होती रहे। ये बादल आए। मतलब किसी जगह बादल है, किसी जगह फुल धूप है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, पुलिस का छापा पै गया जी। और ठीक हो? एंड बूटा जी आवाज़ सुन के आ चुके हैं, क्या हाल है बूटा जी? बूटा जी हाथ ला दें। हट जो। अस्सलाम वालेकुम मोबिन भाई, क्या हाल है मोबिन भाई?
ओए होए होए, बाइक मैंने अभी खड़ी की है और उसके बाद उतर के जो मेरी हालत, मतलब मुझे राइड करते हुए पता नहीं लग रहा था, मैं कि यार ठीक है यार मजा आ रहा है ये तो, लेकिन जब मैं उतरा हूँ और हेलमेट उतारा है तो वो पसीना कहीं इकट्ठा हुआ हुआ था सारा। खैर बाइक मैंने खड़ी की है मुबीन भाई की तरफ यहाँ पे, क्योंकि जो आदम अहमद अपने घर में केयर नहीं करता था, ये बोल नहीं रहा मैं बोल देता हूँ यार। देखो इसने इतना बड़ा मेना मारा है मुझे कि तू बाइक की केयर नहीं करता, तो साफ नहीं करता था, तो ये नहीं करता था भाई, कल से यहाँ पे ऐसे टाकी रख के ना भाई इसको रोज नहीं। देखो यार सीधी सी बात है, ये असल में शिकरा चला लेता है तो वो चलता रहे तो वो ठीक रहता है, और भूसा चलाने से ये थोड़ा सा वो घबराता भी है कि यार इजाजत में दे भी तू, तू एक रेस देना तू पीछे पड़ा होगा, भूसा उतर के मेरी तरफ से फुल इजाजत है भाई, इनको मैं बिल्कुल नहीं रोकता इन चीजों से। खैर वो उसको फिर जंग लग जाता है तो इस वजह से भूसा आ गया इधर मुबीन की तरफ, और शिकरा तू जरा उसको ना घूम पीछे करता नहीं। बैक होम और अभी एयरपोर्ट जाने का टाइम है। पैकिंग में जो सबसे बड़ा मसला हुआ, मुझे लग रहा था कि मेरा इस बैग के अंदर मैं सब कुछ पूरा कर लूंगा, मेरा राइडिंग गियर हेलमेट फलाना ढिमकाना, लेकिन जब सामान रखना शुरू किया तो मुझे एक पूरा ये एक्स्ट्रा बड़ा बैग बनाना पड़ा। ओके सो अभी प्लान ये है कि मेरी फैमिली जो है वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रही है, तो मैं आपको जरा एयरपोर्ट पहुंच के मिलता हूं और फिर थोड़ी सी डिटेल्स कुछ बताता हूं। जी इससे आगे इस ट्रिप में आपका भाई अकेला है, फैमिली छोड़ के जा चुकी है, मैं अंदर आ गया हूँ। अच्छा कुछ डिटेल्स हैं वो ये हैं कि अभी फ़िलहाल मेरी फ़्लाइट है लाहौर टू कराची, मैं यहाँ से जाऊँगा कराची और अगली फ़्लाइट मेरी कल है, कहाँ की है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। खैर मैं करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल बाइक ट्रिप, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे मेरी तरह के जो कभी ना कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि यार मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो तो मैं इस मुल्क जाके गाड़ी बाइक रेंट कर लूँ, और हर दफ़ा बंदा सोचता है कि यार पता नहीं क्या प्रोसेस होगा, देखूंगा फिर करूंगा। तो खैर मुझे इस बार बनवाना पड़ा, लाजमी था, और इतना इजी प्रोसेस है पाकिस्तान में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना। आपका अगर पाकिस्तानी लाइसेंस बना हुआ है तो आपने वही लाइसेंस लेना है, अपनी दो पासपोर्ट साइज़ कॉपीज़ लेनी है, दो आईडी कार्ड की कॉपीज़ लेनी है, 66 रुपीज़ की कोर्ट टिकट लेनी है, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और जो आपका पाकिस्तानी लाइसेंस है वो तकरीबन एक साल के लिए वो वैलिड होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी एक साल बाद हो। ये चीज़ें लेके आपने किसी भी खिदमत मरकज़ में चले जाना है, लाहौर में तो अन्नेवा खिदमत मरकज़ है, किसी भी शहर में हो वहाँ पे जो भी खिदमत मरकज़ है आपने वो जाना है। सारा निज़ाम ऑनलाइन है, आपसे ये वाले वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे, और लेने के बाद आपको 2 से 3 दिन के अंदर, तकरीबन इसकी कोई 200-300 रुपया फ़ीस है मेरा ख्याल है, 200 या 500 के अंदर अंदर फीस है इसकी, वो लेंगे और 2 से 3 दिन में आपको आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो बहुत इजी प्रोसेस है, ये मैंने सोचा जो लोग ट्रैवल करते रहते हैं लेकिन सोचते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, उनके लिए मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन आपको बता देनी चाहिए। खैर अभी सारा काम डन है, अभी बस मैं फ़्लाइट पकड़ूंगा, कराची पहुंचूंगा, देखता हूं आज जाके कराची क्या करना है। एक और चीज़ मैं आपको साथ ही बता दूं कि अक्सर जो है ये लाइसेंस की प्रिंटिंग के अंदर टाइम लग जाता है, कभी ना कभी काम स्लो हुआ होता है, पीछे से कार्ड्स प्रिंट नहीं हो रहे होते, तो एंड टाइम पे आके ये ना कराना कि जी अगले हफ्ते मेरी फ़्लाइट है तो आज मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, ऐसा नहीं करना, 1-2 महीने पहले बनवा के, मतलब वैसे ही अगर कभी भी ट्रैवल करते हो तो सिर्फ एक दिन का प्रोसेस है, अपनी पिक्चर्स आईडी कार्ड पासपोर्ट ये वो लो और खिदमत मरकज़ जाके करा दो, वो आता रहेगा, अक्सर 2 दिन में आ जाता है, अक्सर हफ्ता या महीना भी लग जाता है। The gentle April rain that stained the window panes last night is all but gone but lingers on। अच्छा भाई पहुंच चुका है कराची और मैं स्टे कर रहा हूं अपने कजन के भाई इधर अहमद के पास। अहमद क्या हाल चाल है? अहमद को आप में से लोग जानते होंगे जिन्होंने रिसेंट रमजान सीरीज देखी है या 4 साल पहले की हमारी कराची की वीडियोस देखी हैं। अहमद जो है वो कराची होता है, और आजकल क्या चल रहा है? क्रिकेट चल रहा है। मार्क माय वर्ड्स, अपकमिंग स्टार है ये पाकिस्तान का इंशाल्लाह। इतना क्रेज मैंने क्रिकेट के लिए जिंदगी में कभी किसी का नहीं देखा। घर वालों ने कहा कि क्रिकेट खेलते रहना, पहले डिग्री करो, अहमद ने उनके लिए डिग्री पूरी करके साइड पे रख दी, अब जो है वो फुल टाइम क्रिकेट चल रही है। चलो जी मेरी बहुत दुआएं अहमद के साथ है। खैर बंदा कराची आए और बिरयानी ना हो, बिरयानी हमारे पास है जी, ऑथेंटिक कराची की। हम 2 बंदे हैं और हमने 3 डबल 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 जो है ना वो बिरयानियाँ मंगवाई हैं। ऐसे ही है भाई। देखो यार बैट्स पड़े हुए यहाँ पे, क्रिकेट चल रही है, अलग ही एक माहौल चल रहा है। खैर I hold you so close, I think you must hear my heart tingle. We're